हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके साथ लेफ्ट ओवर दाल से बनने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूं आपके साथ। अक्सर हम सबके घर में कभी सब्जी, दाल वगैरह कुछ भी लंच या डिनर में बच जाता है, उसको हम वापस यूज़ करके किस तरीके से नाश्ता बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, मैं वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूं। मैंने ये डिनर में दाल बनाई थी, मूँग की जो येलो वाली दाल रहती है वो बनाई थी मैंने, वो मेरी बच गई थी तो मैं उससे आज नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने दाल को फ्रिज से निकाल के एक बर्तन में निकाल दिया है और उसके अंदर मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 1.5 कप जितना बेसन यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पे बेसन का या सारी सामग्रियों का यूज़ अपनी बची हुई दाल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने 1.5 कप बेसन ऐड किया है और उसके अंदर मैंने कुछ ही सब्जियाँ पहले से काट के रखी थी कुछ, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया है, उसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी और शिमला मिर्च ऐड किया है और गाजर को मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, कुछ बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अजवाइन और जीरा ऐड किया है। आप यहाँ पे अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्जी या मसाले ऐड कर सकते हैं इसमें। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करना है, जैसे हम चीले के लिए बना के तैयार करते हैं उत्तपम और चीले के लिए, उसी तरीके से हमें एक गाढ़ा घोल बनाना है। और अब हम इसके चीले बनाएंगे, जैसे हम बेसन के, मूंग दाल के या फिर उत्तपम जो बनाते हैं उस तरीके से हम एक तवा ले लेंगे। नॉन स्टिक तवा ले रही हूँ मैं यहाँ। इस तवे को हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर हमने जो बैटर बना के रखा है उसे फैला लेंगे। मैं यहाँ पे छोटे छोटे पैनकेक की तरह ये चीले बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे बड़ा उत्तपम की तरह एक चीला भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इस बैटर से और भी अलग अलग तरह की रेसिपी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे पकोड़े भी बना सकते हैं या फिर आप इसे अप्पम भी बना सकते हैं। और आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर या चीज़ ऐड कर दे ग्रेट करके, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आपके घर में अगर साथ में चावल भी बच गया है तो आप भी इस बैटर के अंदर उन चावल को भी ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता है, कोई भी इसे देख के नहीं बता सकता कि आपने ये लेफ्ट ओवर दाल से या चावल से बनाया है इसे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे चीलों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और इसे पलट कर हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें सब्जियां अंदर बैटर में मिक्स कर सकते हैं मेरी तरह, या फिर चाहे तो उत्तपम में जिस तरीके से हम ऊपर से सब्जियां लगाते हैं उस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे चीले कितने अच्छे से बनके तैयार हुए हैं और इस तरीके से हम सारे दूसरे चीले भी बना लेंगे। तब तक ये हमारे चीले बनके तैयार होते हैं, तब तक मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी और नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैंने सारे चीले बना लिए हैं और चीलों को मैंने एक प्लेट में सर्व किया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये चीज़ ग्रेट करके सर्व कर रही हूँ इसे। मैंने यहाँ पे केचप के साथ इसे सर्व किया है। आप चाहे तो इसे हरे धनिया की चटनी या फिर टमाटर की जो चटनी आपको पसंद है उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये एक बार आप इसे अपने घर पर ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर आप भी हमेशा अपने घर पर सिर्फ पराठे बनाते हैं बची हुई दाल से, तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें ये नाश्ता। आपके घर में ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। आपको ये मेरी नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।